वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है। वहाँ पर आपको ढेर सारे पीसी देखने के मिल जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के और लो से लो क्वालिटी के। मतलब मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल अगर आपका बजट लो है तो भी आपके मतलब पीसी मिल जाएंगे वहाँ पर। आप चाहो तो खुद से भी बनवा सकते हो कि मुझे ये पार्ट लगवा के पीसी तैयार करवा रहे हैं, ये भी सिस्टम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पूरा करवा सकते हो सब कुछ, बढ़िया से बढ़िया और बजट से बजट वाले पीसी वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मैं खुद गया शॉप पर, देखा एक एक चीज़, मैं खुद बोला हाँ भाई बढ़िया तो है ये। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वही ब्लॉग आप ये देखने वाले हो। चैनल पर पहले बार जिनको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अच्छा अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आते रहता है। उसी के अलावा मैं बता दूँ भाई मेरा पीसी की नॉलेज नहीं है, पीसी मॉनिटर वगैरह जो कुछ भी होता है उसकी नॉलेज मुझे नहीं है। तो वहाँ पर मैं गया, मैंने कुछ नहीं क्वेश्चन करे, सब कुछ भाई ने ही, सूरज भाई जो होते हमारे, उन्होंने ही सब कुछ कवर कर लिया, सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी आपके होंगे वीडियो के अंदर कम्प्लीटली। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जाना कैसे वहाँ तक। सामने है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से आपको इस गली के अंदर घुसना है जो आप ये देख रहे हो, ये वाली गली। इस गली के अंदर आपको जाना है, सामने ही आपको बिल्डिंग दिख जाएगी। यहाँ पे जो बोर्ड लगा है हुनर हाट लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअली ट्रेड फेयर का बोर्ड लगा हुआ है जो कि हट जाएगा जल्दी ही, ट्रेड फेयर ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एनॉक्स लिखा हुआ है, INOX इनॉक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। इसी वाली बिल्डिंग के बगल वाली गली में आपको जाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर आपको जाना है अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं अब। तो अंदर हम आ चुके हैं गली के चल के। यहाँ पे आप सामने आपको ये वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, चलो यहाँ पास चल के देखते लिखा क्या है बिल्डिंग के ऊपर। ये लिखा है यहाँ पर बिल्डिंग का नाम दोहिल चैम्बर लिखा हुआ है, एक्चुअली दोहिल चैम्बर नेहरू प्लेस। यहाँ से तब मैं ऊपर आया तो मैं अंदर घुसा, यहाँ पे ऊपर मैं आ गया, ये फ्लोर पर 303 रूम नंबर लिखा हुआ है सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर मतलब इनके भाई की शॉप है ये, तो ये सूरज भाई हैं, इनको भी हमने स्टॉप कर रखा है, यही बताएंगे सब कुछ पीसी के बारे में, इन्हीं की शॉप है, यही ओनर है। तो सूरज भाई ओवर। भैया जी गाइस हमारे सामने खड़े हैं हमारा सूरज भैया, ठीक है, सूरज टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले भैया अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मेरा नाम सूरज है, अपनी फर्म का नाम है सूरज टेक्नोलॉजी और गेमिंग एंड बेसिक, हर तरह के नए एंड डिफरेंट सिस्टम हमारे डीलिंग है। आप अगर बेसिक लेना चाहे बेसिक, गेमिंग लेना चाहे गेमिंग। जी जी जी। तो भैया हमारे बहुत सब्सक्राइबर की डिमांड आती है भैया आप गेमिंग कंसोल दिखाते रहते हो, तो कोई पीसी वगैरह भी दिखाओ, क्योंकि बहुत लोग पीसी को ही मतलब प्रेफर करते हैं, उन्हें कंसोल की मतलब वो नहीं होती है कि सिर्फ गेम खेल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम में कि आप गेम भी खेल सकते हैं प्लस कोई और भी काम यूज कर सकते। जी जी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये रहती है GTA 5 के लिए कौन सा पीसी बेटर रहेगा? हाँ देखिए, GTA 5 के लिए अगर हम स्टार्टिंग गेमिंग की बात करें तो अबव 25 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें GTA 5 चलने लग जाए। ओके, राइट नाउ आपको 25 में तो नहीं बट 30 से सिस्टम आज दिखा देंगे जिसमें आपके GTA 5 चलने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है i5-6 के साथ जिसमें आपका 1050 Ti लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम विद ग्राफिक कार्ड ये 38,000 का आपको बैठ रहा है। okay. इसी में अगर i5-6 ना लेके i5-4 या i5-3 के साथ जाते हैं जिसमें 1050 Ti ग्राफिक कार्ड लगा रहेगा, गेम सारी चलेंगी बट आपको ये आपका 28-25 ऐसा बैठ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आज थोड़ा सा ऊपर से ही है, बेसिक वाला सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है एकदम। तो 28-30 वाला, हालांकि हाँ GTA 5 खेलने के लिए 25 से स्टार्टिंग है जी जी, जिसमें की ग्राफिक 1050 Ti ही होगा बट i5 की जनरेशन i5-3 हो जाएगी इस तरह का। तो आज मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं हम? आज हम 30,000 से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए ठीक है गाइस, सबसे पहला जो सिस्टम आपको दिखाएंगे 30,000 में राइजन का सिस्टम दिखाएंगे। ओके, जिसमें आपका, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलो भाई, राइजन का बिल्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीस का है। ओके, इसमें आप GTA 5 एडिटिंग रेंडरिंग कुछ भी सब कुछ कर लेंगे। हाँ जी, ऑल इन वन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, गाइस ये देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन। रैम है इसमें 8GB, 5GB की SSD है, ग्राफिक कार्ड है 1050 Ti का, कैबिनेट है बेसिक RGB। ये 30,000 का सिस्टम है पूरा, इसमें आप हर एक तरह का गेम रन कर सकते हैं। जी जी जी, पबजी सब कुछ, और कोई लैगिंग या कोई हीटिंग इशू कुछ नहीं, कोई हीटिंग इशू या लैगिंग कुछ भी नहीं, आप 2400 घंटे चलाते रहिए, कोई इशू नहीं। और भैया मैं आपको टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, ये बताइए मतलब अपने यहाँ सेकंड हैंड या न्यू मतलब किसकी चीज है? मतलब फिलहाल अभी आप सिस्टम देख रहे हैं, जी जी, ये सेकंड हैंड सिस्टम है। ओके, आपको 1 ईयर की गारंटी मिलेगी।
सेकंड हैंड पर भी? हाँ जी सेकंड हैंड। ओके, अगर कोई एकदम ब्रांड न्यू सिस्टम बनवाना चाहता है तो वो भी अपने पास ब्रांड न्यू पे 3 साल की वारंटी मिलती है। ब्रांड न्यू पे 3 साल की सिस्टम दिखाने वाला हूँ। जी भी ऐसा नहीं कि सारे सिस्टम एकदम पुराने ही है। ओके, 90% ऑफ द कंपोनेंट्स एकदम नए होंगे जिनमें वारंटी 3 साल होगी। अभी आपको हर सिस्टम के साथ मैं बताता जाऊंगा किस कंपोनेंट में कितनी वारंटी रिमेनिंग है। तो गाइस वीडियो पर बने रहना भैया, एक एक करके, ठीक है? आपको सारे दिखाएंगे 40,000 रुपए के सिस्टम के साथ। okay, जो कि राइजन का ही है जी। तो आप कैमरा को थोड़ा यहाँ लाइए, ये देखिए गाइस, इसमें राइजन 5 का 5600G लगा हुआ है। okay, ये एक एपीयू बेस्ड बिल्ड है इसके, इस ये पूरा का पूरा बिल्ड 40,000 रुपए का। आप जैसे कि आप लोग जाने 5600G बहुत लेटेस्ट प्रोसेसर है, बिल्कुल पुराना होने का कोई मतलब ही नहीं। इस पूरे बिल्ड पे 3 साल की पूरी वारंटी है, बट स्टिल ये एकदम अगर आप नया बिल्ड बनाएंगे तो सस्ता है, क्योंकि इसमें पार्ट जो यूज है कुछ ओपन बॉक्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स के रिव्यूड प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, अब इसमें क्या है कि सिर्फ डब्बे खुले हैं बट वारंटी पूरी है। अच्छा, बट वारंटी सिर्फ डब्बे ओपन होने की वजह से जी इसके रेट में आपको 20-25,000 रुपए का डिफरेंस दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और एक और थोड़ा और ऊपर इससे बेटर अगर जाए जी जी जी, जिसमें आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, तो ये भी एक राइजन बिल्ड है। इसमें आपका लगा हुआ राइजन 5 का 2600। ये देखिए इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है सबके ऊपर ये लग रही है, आप इसको मतलब पॉज कर ठीक से देख सकते हो। रैम इसमें 16GB 1050 Ti है, ये 42,500 का सिस्टम है विद डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। अब अगर चलते हैं इससे थोड़ा सा और हायर एंड में, ओके, तो आपको ये सब इस तरह के सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए गाइस, जैसे ये 80,000 के बजट का सिस्टम है, इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी राइजन बेस्ड है। दिखा देते हैं गाइस, ये देखिए आपको जितने भी हम आज पीसी दिखा रहे हैं गाइस, सबकी स्पेसिफिकेशन जो भी ऊपर लग रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज कर ठीक से देख सकते हैं, ठीक है गाइस? ये देखिए, तो एक और इसमें हाई एंड बिल्ड है, ये भी एक राइजन का बिल्ड है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये रही, ये डायनेमिक 11 कैमरा के साथ है। जिनको लुक्स प्रेफर्ड है वो इस तरह के सिस्टम्स ले सकते हैं। जी जी जी, एक हमारे पास व्हाइट थिन बिल्ड पीसी भी है, ये हाँ, मतलब बहुत लोग कहते हैं हमें मतलब थोड़ा कलर व्हाइट चाहिए। जी जी, ब्लैक तो सभी के पास होता है, थोड़ा व्हाइट में भी हो जाएगा। अब एक ही हमारा i9 10th का भी पीसी है जी। अब अगर आप ये i9 10th का पीसी देखेंगे तो कंप्लीट पीसी विदाउट ग्राफिक कार्ड, ये सिर्फ 68,000 का पूरा सिस्टम है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, i9 है, 60GB रैम है, सिर्फ बोर्ड प्रोसेसर के रेट में ये पूरा सिस्टम आपको मिल रहा है 68,500। जी हाँ, इतना अगर नए की कॉस्टिंग देखें सिर्फ बोर्ड और प्रोसेसर ही आएगा इतने रुपए में, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा हाँ जी जी कंपोनेंट भी बहुत महंगे हो रहे हैं, ग्राफिक कार्ड भी 2.5 साल की वारंटी है आपको इतने मिल जाएंगे। अब कुछ मेरे पास बहुत सिस्टम बिल्ड रेडी रखे हैं, जी जी, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, सारे चला के दिखाना पॉसिबल जी? बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है जी। ये देखिए गाइस, भैया के पास ऑलरेडी सारे रखे हुए हैं। i3 9th का सिस्टम है जो कि सिर्फ 40,000 रुपए का 1050 Ti के साथ। इसके बाद हमारा i7 8th generation का सिस्टम है, ये 50,000 रुपए का है, इसमें भी 1050 Ti सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बिल्कुल, एक हमारे पास i5 8600K का सिस्टम है, ये हमारे पास i9 9th का सिस्टम है। तो इस तरह के सारे सिस्टम आप ये लोग देख सकते हैं रेडी रखे हुए हैं। तो हर बजट के सिस्टम है अपने पास, 12,000 13,000 15,000 40,000 50,000, सब में वारंटीज है। गाइस ये देखिए, भैया के पास स्टॉक की कोई भी कमी नहीं है, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो हर चीज़ यहाँ पर आपकी भैया फिल करके देंगे। कुछ लोगों के रिक्वायरमेंट्स ये है कि नहीं, हमें कोई भी ओपन बॉक्स चीज़ नहीं चाहिए, हमें एकदम सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू। ओके, तो उसके लिए आप बेफिक्र होइए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सिस्टम में कोई भी पुराना सामान नहीं लगना चाहिए जी, तो आप अपने सामने सारी चीज़ें बिल्ड करा सकते हैं। आप अगर कोई ब्रांड न्यू कॉम्पोनेंट चाहिए सारे ब्रांड न्यू मिल जाएंगे जी। मतलब जो हमारे भाई के जो मतलब जो बाहर रहते हैं दिल्ली से, उनको थोड़ी ये रहती है मतलब हम पेमेंट कर दें, उनको ये रहता है कि भैया पेमेंट कैसे सिक्योर्ड है। जी जी, तो भैया इतनी वीडियोज है हमारी, अगर हमने अगर ऐसा कभी फ्रॉड किया होता तो ना ही वीडियोज होती है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बैड कमेंट्स डाल दिए होते। ये जरूर होगा कि हाँ फोन नहीं उठा पाते कभी कभी, क्योंकि दिन में कस्टमर सब बिजी रहते हैं, बट हाँ ऐसा कोई कमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा कि इन लोगों ने मेरे से पेमेंट ली, मेरे को सिस्टम नहीं भेजा, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। भैया जेन्युइन पर्सन है तभी आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो भैया और मतलब कुछ आप हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो ये भी कहते हैं मतलब कुछ ग्राफिक कार्ड भी भैया के पास पूछ कर आना। ऑफ कोर्स ग्राफिक कार्ड, ऑफ कोर्स। देखिए अब मैं आपको बताऊं तो नए के अगर आप देखेंगे तो सबसे जो बेसिक ग्राफिक कार्ड है आप देखें 1050 Ti ही है जिसमें की गेम्स चलती हैं। अगर उसका भी नए की प्राइसिंग देखेंगे तो 9500 से लेकर वो 23 चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 9500 का ग्राफिक कार्ड हुआ करता था वो 6 महीने पहले, राइट ना वो 23,000 रुपए का हो चुका है। तो ऐसे में आम यूजर्स क्या करें जिनका बजट ही लाइक 40,000 है, अब उनको पता लग रहा है कि भैया सिर्फ ग्राफिक कार्ड इतने का है तो वो कैसे कर सकते। इसके लिए हमने ये ढूंढा है कि आप सिर्फ कंप्यूटर पीसी अपना नया रखिए, ग्राफिक कार्ड उसमें रिफर्बिश लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ग्राफिक कार्ड रिफर्बिश आते हैं 1050 Ti, हम इस टाइम पे जो 13-14 का बेच रहे हैं 1 साल वारंटी के साथ, और डेफिनेटली है कि विद इन 6-7 months ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तब अपना पुराना ग्राफिक कार्ड बेच के आप अपना नया अपग्रेड कर सकते हैं। पुराना लेके पुराना ही बेचने में आपको लॉस कम है। अगर वही आप सपोज करिए कि नया 1050 Ti लेते हैं 23,000 रुपए का जो कि है, बिकेगा वो भी 7-8,000 रुपए का, और ये 13,000 जो कि पुराना ये भी बिकेगा 7-8,000 रुपए का ही, तो इसलिए
प्रेफर्ड यही है कि ग्राफिक कार्ड जो आप यूज ही रखें इस टाइम पे, नया लेना कोई वर्थफुल नहीं है। अगर 1660 सुपर देखें जो कि सिर्फ 16-17,000 का ग्राफिक कार्ड है, वो राइट नाउ 56,000 का जा चुका है, तो कोई सेंस नहीं है एक्स्ट्रा इतना पे करके उन ग्राफिक कार्ड्स को अभी राइट नाउ परचेस करने का। 7-8 months और रुक जाइए, वापस सिचुएशन नॉर्मल आने वाली ही है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए भैया के पास ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, मतलब पीसी की जो भी एक्सेसरीज होती है, कंपोनेंट सारे अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ ना भैया, हर एक चला की जो भी चीज चाहिए, चाहे आप भैया से न्यू पीसी बिल्ड करा सकते हैं, सेकंड हैंड रिफर, भैया हर चीज में मतलब डील करते हैं ना। जी हाँ बिल्कुल जी। तो भैया जो कैश ऑन डिलीवरी के लिए कुछ हमारे सब्सक्राइबर के वो हो जाएगा? नहीं नहीं, कैश ऑन डिलीवरी अपना सही नहीं अवेलेबल, क्योंकि कैश सीओडी वाली कंपनीज पार्सल पिकअप करने ही 15-15 दिन लगा देती है। नॉर्मल में क्या 4-5 दिन में पार्सल कस्टमर घर पहुंच जाएगा, सीओडी इसलिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, सीओडी में पेमेंट 3-3 महीने डिलेड है, तो हम सीओडी नहीं करेंगे, आपको पेमेंट एडवांस ही करनी पड़ेगी, बट आपकी पेमेंट सिक्योर्ड है, इस चीज की पूरी गारंटी है। ओके तो भैया सबसे पहले मतलब इसके प्राइस बताइए हमें, जो हाई रेंज के थोड़ा आपने बताए थे, इसका प्राइस क्या होने वाला और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या होगी? देखिए स्पेसिफिकेशन जैसे कि इसकी ये है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देख ही सकते हो गाइस। ठीक है, भैया सिर्फ इसके प्राइस बता देंगे। ठीक है, ये सिस्टम है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा सिस्टम मात्र 78,000 रुपीज का है। ओके ठीक है, इस नेक्स्ट दिखाते हैं, ये सिस्टम है, सिस्टम आप लोग देख लीजिए। ये देखिए गाइस स्पेसिफिकेशन इसकी ये रही, देखिए इसकी स्पेसिफिकेशन ये रही, पढ़ सकते हैं इसमें, और रेट भी प्राइस नीचे लिखा हुआ 90,000 का पूरा सिस्टम है। इसमें 2.5 इयर्स की वारंटी है ऑफिशियल। ओके, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं, आप कंपनी से लेना चाहे कंपनी से ले सकते हैं, मेरे से वारंटी लेना चाहे मेरे से ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, एक ये सिस्टम है, ये 60,000 रुपए का है, ये i7-8 का है, इसमें वारंटी सिर्फ एक साल की रह गई है कंपनी से। जी 60,000 का ये। जी हाँ, एक अपने पास सिस्टम ये वाला है, व्हाइट वाला। हाँ, ये इसमें भी राइजन 7 3700X है, X570 का मदरबोर्ड है, ये सिस्टम पूरा 88,000 का है। ओके हाँ, क्योंकि इसमें कैबिनेट और लुक्स पे थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुए, अलग ही नजर आ रहा है यहाँ पर भी सबसे। एक ये सिस्टम है, ये अपना i9 10th generation का सिस्टम है, ये वाला 68 का है, ये आपने देख ही लिया होगा ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए 68,000 रुपए का है। सारे सिस्टम्स पे आपको सबके स्पेसिफिकेशन के नीचे आपको प्राइस मेंशन होंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। और ये भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं आपको अपने हिसाब से बिल्ड करवाना है, आप अपने हिसाब से टोटल कस्टमाइज करा सकते हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा है इसमें से कोई सिस्टम, आप चाहते हैं मुझे अपने हिसाब से बनाना है, तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं पता तो अपना बजट बताइए, आपको बेस्ट कन्फिग हमसे उस रेंज में, मतलब कोई मतलब हमारा ऐसा कोई कस्टमर जैसा होगा फर्स्ट टाइम मतलब पीसी बिल्ड करा, हां कि नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा पता, लेकिन ये सबको पता है कि हाँ मैं इतना मैक्सिमम जा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मुझे ये बताएंगे हाँ भाई मैं 20 जा सकता हूं, तो मैं उनको जो 20 में बेस्ट चीज अवेलेबल होंगी वो बता दूंगा, अगर वो कहेंगे मैं 50 जा सकता हूं तो 50 में जो मेरे पास बेस्ट अवेलेबल होगा मैं वो बता दूंगा। जी, और भैया मतलब कोई अपने सामने असेंबल कराना चाहता है? हां ऑफ कोर्स, यहां पे सब ओपन है, कस्टमर आइए अपने सामने पूरा असेंबल कराइए, एक एक चीज, ऐसा कोई काम नहीं है कि आपसे नए के पैसे लेके आपको पुराना सामान दे देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाला काम अपना बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको पुराना देंगे तो आपको बता के देंगे और पुराने के पैसे लेंगे। ये मार्केट में बहुत ऐसा होता है ना भैया, कोई बाहर बैठा हमारा भाई मंगाना चाहता है तो पेमेंट मेथड क्या होगा? मतलब पेमेंट मेथड एडवांस है, जैसे भी करना चाहिए यूपीआई फोन पे अकाउंट ट्रांसफर, बट हाँ पेमेंट एडवांस होगी, मैं पहले सिस्टम नहीं शिप करूंगा। जी मतलब फुल पेमेंट, हाँ फुल पेमेंट के बाद सिस्टम आपका पहुंचेगा, चलाने की जिम्मेदारी है, ना पसंद आए तो हमारी रिटर्न है, हमारे खर्चे पे रिटर्न है, पूरी पेमेंट आपको रिफंडेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है, आपकी पेमेंट सिक्योर्ड है, इस चीज की पूरी गारंटी है, लेकिन हाँ पेमेंट एडवांस्ड है, सीओडी पॉसिबल नहीं होगा। जी और भैया कुछ आप ये बताएं, कंसोल और पीसी मतलब क्या डिफरेंस है, क्या होगा, क्या मतलब बेस्ट होता है? नहीं नहीं, वैसे तो आपने अपनी चॉइस होती है सबकी, आप क्या प्रेफर करोगे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेम खेलनी है? जी जी जी, और आप आपको पता है कि लाइक पीएस प्रो अगर सेकंड हैंड भी अगर हम देखें तो 25,000 रुपए के आसपास का आता है। बिल्कुल 20-22 में भी आ जाता है। 25,000 रुपए में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा जिसमें पीएस प्रो की जितनी गेम्स चले, बिल्कुल नहीं, बट हाँ तो उसके लिए तो भाई पीएस प्रो, क्योंकि लेकिन सिर्फ गेम चल सकती है। जी जी, लेकिन अगर आपका बजट है लाइक 30-35,000 का, तो ऑफकोर्स पीएस प्रो का कम्पिटेटिव पीसी बन जाएगा, इसमें आपकी गेम्स भी चलेंगी प्लस और भी काम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे यही फायदा मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह ब्राउजिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं, ब्राउजिंग पीसी में सारी चीजें पॉसिबल है, पीएस में सिर्फ गेम्स पॉसिबल है, दैट्स इट। ओके तो भैया यहाँ का मतलब एड्रेस बता दीजिए। अपना एड्रेस है नेहरू प्लेस में, सत्यम सिनेमा के बैक साइड में बिल्डिंग है, दोहिल चेंबर, उसमें आपको थर्ड फ्लोर पे आना है 303 नंबर में। सत्यम सिनेमा नेहरू प्लेस की फेमस लोकेशन है, उसके बैक साइड में बिल्डिंग है दोहिल चेंबर, और बैक साइड पार्किंग से रास्ता अंदर आने का। बिल्कुल, तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, अगर आपको पसंद आई हो, आपको कुछ भी लगा हो कि इन्फॉर्मेशन मिली है, तो भाई सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं कराया तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, यहाँ से मैं अपने घर से वहाँ तक गया, ठीक है, मेट्रो किराया वगैरह मतलब जो भी है खर्चा होता है, तो मेहनत भी लगती है खर्चा भी होता है, तो भाई कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना जरूर। तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर, तो जय हिंद वंदे मातरम।